इन कारों ने फिल्म इतिहास लिखा है और इन कारों के साथ एक बार फिर एक्शन करना ये मार्टिन हान का सबसे बड़ा जुनून है। गाड़ी का नाम है किट, जिसे फिर से बनाकर वो रोमांच पैदा करेंगे जैसे डेविड हैसलहॉफ ने टीवी सीरियल नाइट राइडर में किया था। और इस डॉज आइस चार्जर के साथ वो ऑस्ट्रिया के अपने शहर ग्राफेनश्लाग में स्टंट्स दिखा रहे हैं, एक कार जिसने द फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्मों में बर्फ पर भी अपना जलवा दिखाया है। मार्टिन हान को इस कार को अपने हाथों से बनाने में 4 साल लगे हैं। ये उस गाड़ी की हूबहू हमशक्ल लगती है जिसमें सवार होकर बैटमैन ने 1989 की अपनी फिल्म में विलन को तबाह कर दिया था। जब कोई फिल्मी कार में चलता है तो ये रोजमर्रे में छुट्टी बिताने जैसा है। आपको कुछ खास महसूस होता है, हर कोई आपको देखता है, कार के साथ आप किसी सुपरस्टार की तरह महसूस करते हैं। मार्टिन हान वैसे तो एक बीमा कंपनी में कर्मचारी हैं, लेकिन पिछले 15 साल से वो फिल्मी कारों में दिलचस्पी ले रहे हैं। कभी कभी वो असली गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन ज्यादातर वो इसे खुद ही बनाते हैं, पुर्जे से पुर्जा जोड़कर, जैसे कि उन्होंने अपनी नई गाड़ी किट के साथ किया है। जब कोई बरसों में ऐसी कार बनाता है, पैसा लगाता है, मेहनत लगाता है, तो वो पल बेशकीमती होता है जब आप कार में बैठते हैं। कार तो बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन वो बोल नहीं सकती जैसा कि सीरियल में होता था, लेकिन देखने में वो बिल्कुल असली जैसी ही लगती है। मार्टिन को पॉन्टियाक ट्रांस एम की कार को किट में बदलने में सालों लगे हैं। इसके सारे हिस्से हाथ से बनाए गए हैं। इन सब को मैंने स्टील की चादरों से मोड़कर बनाया, उसकी वेल्डिंग की है। सबसे मुश्किल काम था इन हिस्सों को नाप के अनुसार बनाना। कंस्ट्रक्शन प्लान तो हमें मिलता नहीं, सीरियल का स्क्रीनशॉट बनाकर हमें काम करना पड़ता है। तस्वीरें, स्क्रीनशॉट, स्केल, एक्सेल टेबल, कैलकुलेशन और काम पूरा। सपने बुनने वाले हॉलीवुड के प्लान की कॉपी कर यहाँ स्टील और टिन के दर्जनों फिल्मी ऑटोमोबाइल बने हैं और हर साल उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में उनकी मदद करती हैं उनकी गर्लफ्रेंड। चुनौती ये है कि हर बार कुछ नया, हर बार एक नई सीमा। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास कोई योजना है या मैं वैसे ही काम करता हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं, बस मैं शुरू कर देता हूँ। और इन प्रयासों के दौरान बनी है असली की हूबहू नकल, खासकर उन कारों की जिन्होंने 1980 के दशक में इतिहास रचा है, जैसे कि ये कैडिलैक, जो घोस्टबस्टर फिल्म में भूत भगाने वालों को तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंचाता था। ये मेरे बचपन की गाड़ियां हैं। इस बीच जब मैंने अपने बचपन की गाड़ियां बना ली हैं, तो अब मैं आधुनिक गाड़ियों पर ध्यान दे रहा हूं। इस समय मार्टिन जंक लगी टो करने वाली गाड़ी हुक बना रहे हैं और रेसिंग कार लाइटनिंग मैक्वीन, इन दो कारों को एनिमेशन फिल्म कार्स में अच्छे दोस्तों के रूप में दिखाया गया है, जो मानवीय चरित्र दिखाते हैं। मार्टिन अब इन मॉडल्स को मशीनी जिंदगी देने में लगे हैं। मेरे दो छोटे बेटे हैं, 2 और 4 साल के, वो लाइटनिंग मैक्वीन और कार्स के बड़े फैन हैं। मेरे बच्चों का मेरी गाड़ियों से अब तक कोई भावनात्मक संबंध नहीं रहा है, उनमें कारों के लिए जुनून पैदा हो इसलिए मैंने ये कारें बनाई हैं। मार्टिन हान की कारें खुली सड़कों पर नहीं दौड़ सकती, लेकिन फिर भी अपनी फिल्मी कारों के साथ वो हॉलीवुड का एक टुकड़ा अपने वतन ऑस्ट्रिया में ले आए हैं।